Good morning students, welcome back to your math class. Students, today we will continue chapter number 3, pairs of linear equations in two variables with exercise 3.6. So let's start exercise 3.6 with question number 1. Solve the following pairs of equations by reducing them to a pair of linear equations. आपको यहाँ पे इस एक्सरसाइज में कुछ इक्वेशंस गिवन है, पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है जिन्हें हम लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. आफ्टर दैट वी विल सॉल्व द इक्वेशंस एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. फर्स्ट क्वेश्चन इज 1/2x + 1/3y इक्वल टू 2. आपको जो पहली इक्वेशन गिवन है वो 1/2x 1/3y के फॉर्म में है. सेकेंड इक्वेशन 1/3x + 1/2y इक्वल टू 13/6. यहाँ पे आप इस फर्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं, अभी तक जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होती थी वो यहाँ 1/2x और 1/3y के फॉर्म में है. सो इन दिस केस फर्स्ट वी विल हैव 1/2x + 1/3y इक्वल टू 2 एंड 1/3x + 1/2y इक्वल टू 13/6. हम यहाँ क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो 1/x और 1/y है इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे. सो सब्स्टिट्यूट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v. हमने सबसे पहले क्या किया, यही हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहे थे. ठीक है, हमने जो अभी तक इक्वेशन सॉल्व की ये उससे डिफरेंट कहाँ जा रहे थे कि यहाँ पे x और y सिंपली ना देते हुए 1/ के फॉर्म में है. तो उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने जो 1/x था उसको u और 1/y को v से सब्स्टिट्यूट कर दिया. अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई, u अपॉन 2. ये जो 1/x था उसको हमने u से रिप्लेस किया, तो u अपॉन 2 प्लस 1/y मतलब v अपॉन 3 इक्वल टू 2 एंड u अपॉन 3 प्लस v अपॉन 2 इक्वल टू 13/6. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर में भी 2 और 3 है, इन्हें भी हमें सिंपली फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो यहाँ हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे और इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, सो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड ऑफ बोथ इक्वेशंस बाय 6. यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों के ही डिनोमिनेटर में 2 3 है, दोनों इक्वेशन में डिनोमिनेटर में 2 और 3 है. तो हम इनके एलसीएम का पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 से हम पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 3 जा 6, यहाँ पे बन गया 3u, 3 2 जा 6 तो यहाँ पे बन गया 2v इक्वल टू 6 2 जा 12. उसी तरह से यहाँ पे जब हम 6 का इंटू करेंगे 3 2 जा 6, सो 2u 2 3 जा 6, 3v इक्वल टू 6 और 6 कैंसिल होके यहाँ पे बचा 13. अब ये सिंपल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है. नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशंस. नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 5/3 एंड इक्वेशन 6/2. अब हमें इन्हें सॉल्व करना है. हम यहाँ पे कोई भी एल्जेब्रिक मेथड यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं. यहाँ हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं जिसके लिए हम इनके कोफिशियंट को सेम बनाएंगे. तो कोफिशियंट सेम बनाने के लिए हमने इक्वेशन 5 में 3 से और इक्वेशन 6 में 2 से इंटू किया. देखिए इक्वेशन 5 में 3 से यानी कि यहाँ पे 3 2 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2 से इंटू कर रहे हैं. इक्वेशन 6 में 2 से इंटू कर रहे हैं, यहाँ पे भी 2 3 6 हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो गया, 9u प्लस 6v इक्वल टू 36 एंड 4u प्लस 6v इक्वल टू 26. साइन चेंज हम कर रहे हैं बिकॉज हमें सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन को. सो साइन चेंज किया हमने, 6v कैंसिल. 9u में से जब आप 4u माइनस करेंगे तो बचा 5u. 36 माइनस 26 इज इक्वल टू 10. अब इस 5 को डिनोमिनेटर में जब हम लिखेंगे, राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. 10 से 5 कैंसिल करके u की वैल्यू हमें मिलती है 2. अब जब इस u की वैल्यू को हम इक्वेशन 5 में पुट करते हैं, इक्वेशन 5 इज 3u प्लस 2v इक्वल टू 12. इस इक्वेशन में जब हम u की वैल्यू रखते हैं हमें मिलता है 6 प्लस 2v इक्वल टू 12. सो 2v इक्वल टू, इस 6 को जब हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे माइनस में होगा, 12 माइनस 6 इज 6. 2 लेफ्ट में है, इसे भी हम राइट में शिफ्ट करेंगे, सो 6/2 यानी कि 3. अब हमारे पास u की वैल्यू 2 मिल गई, v की वैल्यू 3 मिल गई है. बट 1/x
इक्वल टू u ये हमने देखा था. सो 1 अपॉन x इक्वल टू u की वैल्यू है 2, तो u की प्लेस पे हमने रखा 2. हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x को हम यहाँ ले जाएंगे, 2 को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे. सो इट बिकम्स x इक्वल टू 1/2 एंड 1 अपॉन y इक्वल टू v, बट v इज 3. सो 1 अपॉन y इक्वल टू 3. अगेन y की वैल्यू फाइंड करना है, तो y को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे और 3 को डिनोमिनेटर में. सो y इक्वल टू 1/3. Thus the solution is x equal to 1/2 and y equal to 1/3. Now the next question is, we have 2 under root x plus 3 under root y equal to 2 and 4 upon under root x minus 9 upon under root y equal to minus 1. अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वहां पे तो 1 upon x और 1 upon y था, बट यहाँ पे 1 upon under root x एंड 1 upon under root y है. इसे भी हम सेम मेथड से ही सॉल्व करेंगे. 1 upon under root x को हम x से u से सब्सटीट्यूट करेंगे और 1 upon under root y को हम v से सब्सटीट्यूट करेंगे. सो लेट्स सी, सब्सटीट्यूटिंग 1 upon root x equal to u एंड 1 upon root y equal to v इन इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, जब हम इन दोनों को u और v से रिप्लेस करते हैं तो हमें मिलता है 2u प्लस 3v इक्वल टू 2 एंड 4u माइनस 9v इक्वल टू माइनस 1. अब ये लीनियर पेयर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है. इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट होने पे अब हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाली इक्वेशन में 3 से इनटू करेंगे, बिकॉज यहाँ पे 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 माइनस 9 0, यानी कि ये टर्म इलिमिनेट हो जाएगी. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/3 एंड एडिंग द रिजल्ट टू इक्वेशन 4, वी गेट 6u प्लस 9v इक्वल टू 6 एंड 4u माइनस 9v इक्वल टू माइनस 1. ये प्लस माइनस कैंसिल, 6 प्लस 4 10u इक्वल टू 5. सो u इक्वल टू 5/10. 5/10 को आप कैंसिल करेंगे तो u की वैल्यू हमें मिली 1/2. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 3. u की वैल्यू जो 1/2 हमें मिली है, इसे हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं. यहाँ पे जब हम 1/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होके ओनली 1 बचेगा. सो 2 इंटू 1/2 प्लस 3v इक्वल टू 2. 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा. इस 1 को हम राइट हैंड साइड राइट शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, दैट इज 1. ये देखिए 3v इक्वल टू 2 माइनस 1. सो v इक्वल टू 2 माइनस 1 इज 1 अपॉन 3. v की वैल्यू मिली 1/3. बट u इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट x. हमने 1 अपॉन अंडर रूट x को u से रिप्रेजेंट किया था, तो हम u की वैल्यू रखेंगे तो 1/2 u की वैल्यू है. सो 1 अपॉन रूट x इक्वल टू 1/2, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करते हो तो आपको मिलता है अंडर रूट x इक्वल टू 2. और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो हम इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, जिससे कि हमें x की वैल्यू मिली 4. इन द सेम वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y. v इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट y, बट v इज इक्वल टू, v की वैल्यू हमने निकाली थी 1/3. सो 1 अपॉन रूट y इक्वल टू 1/3, हेंस रूट y इक्वल टू 3. अगेन ऑन स्क्वायरिंग बोथ दी साइड वी गेट y इक्वल टू 9. हेंस द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 9. नाउ द थर्ड पार्ट इज, थर्ड इक्वेशंस आर 4 अपॉन x प्लस 3 अपॉन y इक्वल टू 14, 4 अपॉन x प्लस 3y इक्वल टू 14 एंड 3 अपॉन x माइनस 4y इक्वल टू 23. यहाँ पे आपको अगेन पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है, जिसमें कि y तो सिंपल फॉर्म में है बट x 1 अपॉन x के फॉर्म में है, तो हम इस 1 अपॉन x को u से रिप्लेस कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो सब्स्टिट्यूटिंग 1/x equal to u in equation 1 and 2 both, we get 4u plus 3y equal to 14 and 3u minus 4y equal to 23. अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें इस y के coefficient को same बनाना है. y के coefficient को same बनाने के लिए हम 3 में 4 का into करेंगे और 4 में हम 3 का into करेंगे. So multiplying equation 3 by 4 and equation 4 by 3 and then adding the result, we get
जब हम इस तरह से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं हमें मिलेगा, यहाँ पे हम 4 से इंटू कर रहे हैं, सो 16u प्लस 12y इक्वल टू 56 एंड 9u माइनस 12y इक्वल टू 69। हमने नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिला। अब 12y प्लस और माइनस के हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए, 16u प्लस 9u मिलके 25u, 56 प्लस 69 इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें सम मिला 125। अब u की वैल्यू फाइंड करनी है, 25 को इधर ले जाके डिनोमिनेटर में रखेंगे, 125 25 से 5 टाइम्स में कैंसिल होके u की वैल्यू हमें मिली 5। अब इस u की वैल्यू को जब हम इक्वेशन 3 में रखते हैं तो हमें मिल जाएगी y की वैल्यू, सो 4 इंटू 5 प्लस 3y इक्वल टू 14, 4 5 जा 20, यहाँ पे 20 प्लस का है, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस में होगा, सो 3y इक्वल टू 14 माइनस 20, 14 माइनस 20 इज माइनस 6। अब ये जो 3 इंटू में है दूसरी साइड जाके डिवाइड में होगा, सो माइनस 6 बाय 3 इक्वल टू माइनस 2। u की वैल्यू हमें मिली है बट हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो u इक्वल टू 5 है, 1 अपॉन x इक्वल टू 5 बिकॉज 1 अपॉन x इक्वल टू u, 1 अपॉन x इक्वल टू 5, hence x इक्वल टू 1 बाय 5, सो द सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 1 बाय 5 एंड y इक्वल टू माइनस 2। नाउ द फोर्थ इक्वेशंस आर, फोर्थ इक्वेशंस इन फोर्थ क्वेश्चन आर 5 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू 2 एंड 6 अपॉन x माइनस 1 माइनस 3 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू 1। यहाँ पे भी आपको पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है जिसे कि आपको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे 1 अपॉन x 1 अपॉन y सिर्फ इतना ही ना होते हुए 1 अपॉन x माइनस y 1 है और 1 अपॉन y माइनस 2 है, तो इस 1 अपॉन x माइनस 1 को हम u से और 1 अपॉन y माइनस 2 को हम v से रिप्लेस कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो लेट 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू v। जैसे ही हम ऐसा करके इक्वेशन 1 और 2 में इस x माइनस 1 और y माइनस 2 को u v से रिप्लेस करते हैं हमें मिलता है 5u प्लस v इक्वल टू 2 एंड 6u माइनस 3v इक्वल टू 1। अब हम इन v के कोफिशिएंट को सेम बनाना चाहते हैं तो हम इस थर्ड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 3 एंड देन एडिंग द रिजल्ट टू इक्वेशन 4। 3 से मल्टीप्लाई करके हम इसे इक्वेशन 4 में जब ऐड करते हैं हमें मिलता है 15u प्लस 3v इक्वल टू 6, 6u माइनस 3v इक्वल टू 1, प्लस 3v माइनस 3v कैंसिल, सो 15u प्लस 6u, 15u प्लस 6u को ऐड करते हैं तो हमें मिला 21u, 6 प्लस 1 को ऐड किया तो हमें मिला 7, सो द वैल्यू ऑफ u इज 7 अपॉन 21, ये जो 21 इंटू में है इधर जाके डिवाइड में होगा, 7 अपॉन 21, 7 से जब हम 21 को कैंसिल करते हैं तो हमें मिला 1 बाय 3। सब्स्टिट्यूटिंग u इक्वल टू 1 बाय 3 इन इक्वेशन 3 वी गेट, अब हमने u की जो वैल्यू हमें मिली है इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में रखते हैं, हमने थर्ड इक्वेशन में रखा जिससे हमें मिला 5 इंटू 1 बाय 3 प्लस v इक्वल टू 2, सो v इक्वल टू 2 एज इट इज, ये जो 5 बाय 3 प्लस का है दूसरी साइड शिफ्ट करने पे माइनस में हो जाएगा, सो 2 माइनस 5 बाय 3। व्हेन वी सॉल्व दिस बाय टेकिंग एलसीएम वी गेट 6 माइनस 5 अपॉन 3 दैट इज 1 बाय 3, v की वैल्यू हमें 1 बाय 3 मिली, बट हमने जो सपोज किया था उसके अकॉर्डिंग u 1 अपॉन x माइनस 1 के इक्वल है ना, u इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1, बट वैल्यू ऑफ u इज 1 बाय 3, सो 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 1 बाय 3। यहाँ पे हम जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x माइनस 1 की वैल्यू 3, hence x इक्वल टू ये माइनस 1 दूसरे साइड जाके प्लस 1 होगा, 3 प्लस 1 इज 4। एंड इन सेकेंड पार्ट वी हैव v इक्वल टू 1 अपॉन y माइनस 2, यहाँ पे v की वैल्यू 1 अपॉन y माइनस 2 है, v की एक्चुअल वैल्यू हमें जो मिली है वो 1 बाय 3, सो 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू 1 बाय 3,
3 को हम इधर और y माइनस 2 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो y माइनस 2 की वैल्यू 3, माइनस 2 इधर जाके प्लस में हो जाएगा, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5. हेंस द वैल्यू ऑफ x इज 4 एंड वैल्यू ऑफ y इज 5. Now come to the next question of this exercise. Question number 2 is formulate the following problems as a pair of linear equations and hence find their solutions. इस question में आपको word problems given है जिसे आपको linear equations के form में convert करना है और उसके बाद उन equations का solution find करना है. So first question is Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. रितु डाउन स्ट्रीम में मतलब यदि वो किसी रिवर में स्विमिंग कर रही है तो रिवर की ही डायरेक्शन में जब वो स्विम करती है तो उसे 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में ओनली 2 आवर्स का टाइम लगता है. और जब वो अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, रिवर का फ्लो जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब वो स्विमिंग करती है तो उसे 4 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करने में 2 आवर्स का टाइम लगता है. फाइंड हर स्पीड इन रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट. इस केस में आपको फाइंड करना है कि यदि वो रुके हुए पानी में यदि स्विमिंग करती है तो उसकी स्पीड क्या है और स्पीड ऑफ करंट यानी कि पानी जो बह रहा है उसकी स्पीड क्या है, ये दोनों आपको फाइंड करना है. सो इन दिस केस लेट रितु स्पीड इन स्टिल वाटर, हमने रितु की जो स्पीड है रुके हुए पानी में उसको x किलोमीटर पर आवर मान लिया. ठीक है, रुके हुए पानी में जो उसकी स्पीड है उसको हमने x किलोमीटर पर आवर मान लिया. और स्पीड ऑफ करंट यानी पानी की जो स्पीड है, पानी जिस भी स्पीड से बह रहा है उसे हमने y किलोमीटर पर आवर अज्यूम कर लिया. सो ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम का केस यानी कि मैंने अभी बताया डाउन स्ट्रीम कब होता है, जबकि जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में यदि रितु भी स्विम करती है तो वो डाउनस्ट्रीम का केस होता है. तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड जो होती है दोनों प्लस हो जाती है, रितु की स्पीड बढ़ जाएगी. कितनी बढ़ जाएगी, जितनी की पानी की स्पीड है. सो एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. ड्यूरिंग अपस्ट्रीम यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब रितु स्विमिंग करती है तो उस केस में क्या होगा, रितु की स्पीड कम हो जाएगी. और कितनी कम हो जाएगी, जितनी की रिवर की स्पीड है यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर. सो ड्यूरिंग अपस्ट्रीम स्पीड विल बी एक्स माइनस 5 किलोमीटर पर आवर. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, डाउन स्ट्रीम में जो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस है उसे कवर करने में 2 आवर्स का टाइम लगता है. तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी है हमने माना, उसके अकॉर्डिंग x प्लस y स्पीड है. और यदि हम डिस्टेंस अपॉन टाइम से फाइंड करें तो स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि 20 अपॉन 2 और 20 अपॉन 2 यानी कि 10. सो फर्स्ट कंडीशन विल बी x प्लस y इक्वल टू 10. एंड इन सेकेंड कंडीशन में अपस्ट्रीम का केस है, अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी है, x माइनस y. और यहाँ पे यदि डिस्टेंस अपॉन टाइम से हम फाइंड करें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड हो जाएगी 4 अपॉन 2 यानी कि 2. सो इट इम्प्लाइज x माइनस y इक्वल टू 2. अब हमारे पास दो इक्वेशन है, x प्लस y इक्वल टू 10 एंड x माइनस y इक्वल टू 2. इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को जब हम प्लस करते हैं, एड करते हैं, तो ये दोनों x प्लस के हैं, ये एड होके 2x हो जाएंगे. एक y प्लस का है दूसरा माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे. 10 और 2 ऐड होके 12. सो 2x इक्वल टू 12 और x की वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो ये 12 के अपॉन में आ जाएगा 2, दैट इज 6. सो x की वैल्यू हमें 6 मिली और x की वैल्यू मतलब रितु स्पीड इन स्टिल वाटर, दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर. अब इस x की वैल्यू 6 को हम जब फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं तो 6 प्लस y इक्वल टू 10. 6 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो y की वैल्यू 10 माइनस 6 यानी कि 4. तो y मतलब कि स्पीड ऑफ करंट. सो स्पीड ऑफ करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर. देयरफॉर रितु'स स्पीड इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर.
Now the next question is, two women and five men can together finish an embroidery work in 4 days, while three women and six men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है एक एम्ब्रॉयडरी वर्क है जिसे कंप्लीट करने में यदि दो वुमन और फाइव मैन साथ में मिलकर करते हैं तो 4 डेज में वर्क कंप्लीट होता है. थ्री वुमन और सिक्स मैन यदि मिलकर इस वर्क को कंप्लीट करते हैं तो 3 डेज में वर्क कंप्लीट होता है. तो सेम वर्क यदि ओनली वन मैन करे या ओनली वन वुमन करे तो कितने डेज में कंप्लीट होता है ये हमें फाइंड करना है. सो लेट द टाइम टेकन बाय वन वुमन टू फिनिश द वर्क बी एक्स डेज एंड टाइम टेकन बाय वन मैन टू फिनिश द वर्क बी वाई डेज. हमने सपोज कर लिया कि यदि उस ये जो हमें फाइंड करना है कि वन वुमन को उस वर्क को करने में कितना टाइम लगता है, हमने सपोज कर लिया एक्स डेज लगते हैं, और वन मैन को अकेले वर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है उसे हमने मान लिया कि वाई डेज लगते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन इज दो वुमन जब करती है तो रेट कितना होगा 2/x. फाइव मैन करते हैं तो कितना हुआ 5/y. यहाँ पे डेज है, डेज से हम रेट फाइंड करते हैं तो वो होगा 1/x एंड 1/y. सो 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4. 4 डेज में यदि वर्क कंप्लीट होता है तो 1 डेज में कितना वर्क कंप्लीट होगा 1/4 पार्ट. सो 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4. सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, थ्री वुमन करती है तो थ्री वुमन तो वन वुमन का रेट कितना है 1/x. सो 3/x एंड यानी कि प्लस साइन सिक्स मैन, तो सिक्स मैन का रेट कितना होगा 1/y इक्वल टू कितने डेज में वर्क कंप्लीट होता है 3 डेज में, मतलब 1 डे में कितना पार्ट कंप्लीट होगा 1/3. सो इट इज 1/3. अब यहाँ पे जो आपको इक्वेशंस मिली है वो 1/x और 1/y के फॉर्म में मिली है. आप चाहें तो इन्हें u और v में कन्वर्ट करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके इन्हें सॉल्व कर सकते हैं. अदरवाइज यहाँ पे मैंने अगेन जो एलिमिनेशन मेथड होती है उस एलिमिनेशन मेथड से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आप देख लीजिए. सो ऑपरेटिंग इक्वेशन 1 × 3 एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 × 2. हम इक्वेशन 1 में 3 का और इक्वेशन 2 में 2 का इनटू करके फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो देखिए जब हम इक्वेशन 3 फर्स्ट में 3 का इनटू करते हैं तो 3 × 2 = 6/x प्लस 3 × 5 = 15/y इक्वल टू 3/4 होगा. सेकंड इक्वेशन में 2 का हम इनटू कर रहे हैं तो 2 × 3 = 6/x 6 × 2 = 12/y इक्वल टू 2/3. माइनस करना है हमें, यहाँ पे हमने ऑपरेटिंग में माइनस साइन लगाया है तो तीनों साइन माइनस में हो जाएंगे. ये 6/x 6/x कैंसिल. 15/y में से जब हम 12/y को माइनस करते हैं तो बचेगा 3/y इक्वल टू 3/4 − 2/3. इस 3/4 और −2/3 को हम सॉल्व करते हैं तो 3/y इक्वल टू हमें मिला 9 − 8/12 यानी कि 1/12. 3/y इक्वल टू 1/12. 12 को हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करते हैं तो y की वैल्यू हमें 12 × 3 = 36 डेज मिला. अब इस y की वैल्यू 36 को जब हम इक्वेशन 1 में रखते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. सो 2/x प्लस 5/36 इक्वल टू 1/4. 5/36 प्लस का है, दूसरे साइड ले जाएंगे माइनस में होगा. सो 2/x इक्वल टू 1/4 माइनस 5/36. LCM लेके जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 2/x इक्वल टू 9 − 5/36. सो 2/x इक्वल टू 9 − 5 = 4, 4/36. अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 4 × 1 = 4, 4 × 9 = 36 यानी कि 1/9. x का मल्टीप्लाई 1 में और 9 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो 9 × 2 = 18. x की वैल्यू हमें मिलती है 18. x की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन वुमन टू फिनिश द वर्क.
दैट इज 18 डेज. यदि एक वुमन अकेले उस वर्क को कंप्लीट करती है तो वो 18 डेज में कंप्लीट कर लेगी. और वाई की वैल्यू 36 है, इट मीन्स नंबर ऑफ डेज कंप्लीटिंग द सेम वर्क बाय वन मैन. यदि एक ही आदमी उस वर्क को कंप्लीट कर रहा है तो उसे वर्क कंप्लीट करने में 36 डेज का टाइम लगता है. स्टूडेंट्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 3.6 एज वेल एज चैप्टर 3. In our next video class, we will start any other chapter. Till then, take care. Thank you.